गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? क्या हो रहा है? और अभी बजे हैं सुबह के 11 और काफ़ी अच्छी धूप निकल आई है, तो मैंने सोचा चलो बाहर थोड़ी देर बैठते हैं, क्योंकि धूप तो आप समझ ही रहे हो, कभी निकल रही है कभी नहीं निकल रही है। और आज है शकर चौथ की पूजा, तो व्रत है मेरा और मम्मी दोनों का ही व्रत है। तो बट अब मेरे को दिक्कत होने लगती है, क्योंकि जब से ऑपरेशन हुआ है ये इसका गॉल ब्लैडर का, तब से ना पूरा खाली प्लेट नहीं रह पाती हूँ। तो फिर मैंने क्या किया था ना कि वो थोड़ी सी एक कप चाय पी ली थी, वैसे नहीं पीनी चाहिए बट अब भी नहीं ऐसे हो पाता, क्योंकि डॉक्टर ने भी मना किया है कि फिर नहीं तो वो बहुत ज़्यादा एसिडिटी और ये सब क्रिएट होने लगता है। तो एक कप चाय पी ली थी, चाय से तो और एसिडिटी होती है मेरे को पता है, बट धूप बहुत ज़्यादा तेज़ लग रही है सामने, तो वो मैं पूरा टोटल देख नहीं पा रही हूँ। इन दोनों को देखिए, इनके बाल बहुत बड़े हो गए हैं, मेरे को कटवाने, बट मैं सोच रही हूँ कि जब मेरे को ग्वालियर जाना होगा ना तभी मैं कटवाऊँगी, क्योंकि अभी तो ज़्यादातर कैप ही लगाए रहते हैं, फिर वहाँ से बहुत दिक्कत होती है। आज मैंने ये नई कुर्ती पहनी है, ये मैंने आपको कल बताया था ना कि मैंने 3-4 कुर्तियाँ मंगाई हैं, 2 फ्लिपकार्ट से और 2 अमेज़ोन से, सिर्फ ऐसी सस्ती 250-300 की रेंज में। तो ये सही है, मतलब बस ये है कि ये वाला जो कपड़ी है सिर्फ ये है ब्लैक वाली, इसका जो है कपड़ा कॉटन का नहीं है, क्रेप का है, लेकिन मोटा वाला नहीं है और अच्छा है। मेरे को फिटिंग बहुत अच्छी आई है, क्योंकि डेली यूज़ के लिए पहनने के लिए अच्छा है, क्योंकि डेली यूज़ के कपड़े क्या है ना, आप मशीन में भी डाल देते हो कभी कभी, हर टाइम ज़रूरी नहीं है कि आप हाथ से धुल पाओ, तो उस अकॉर्डिंग मेरे को ये अच्छी लगी, एकदम सिंपल सी कुर्ती है। गला आपका ऐसा है, 3/4 स्लीव्स मेरे को चाहिए रहती है, इसलिए 3/4 स्लीव्स हैं, यूज़ का मैंने कर लिया था। और सकट को इसकी उसमें मैं कल आपको दिखाया ही था कि मैं लड्डू वड्डू लेके आई हूँ, और उसमें चाहिए रहते हैं शकरकंद, सबसे इम्पोर्टेंट शकरकंद होता है। यहाँ यूपी में तो बथुआ भी चढ़ता है, जो बथुआ हम लोग जो घर पे यूज़ करते हैं वो भी थोड़ा चढ़ता है, बट अब हम लोग ऐसा नहीं करते हैं, तो सिंपल सा है। कई जगह शाम को पूजा होती है, कई जगह 3-4 बजे के अराउंड होती है, बट हम मैं सोच रही हूँ कि मैं करीब 2 बजे के लगभग कर लूँगी, क्योंकि शाम को बच्चों के साथ, छोटे बच्चों ये दोनों हैं, तो कभी कुछ खाने का लग जाता है कभी कुछ है, तो मैं 2 बजे तक पूजा कर लूँगी। दिखाऊँगी मैं थोड़ा बहुत, सिंपल से ही करूँगी, ज़्यादा तो मेरे को कुछ नहीं पता है, तो चलिए देखते हैं क्या होगा आगे। और देखिए धूप से अंदर आने के बाद वहाँ पे जितने कपड़े सूख गए थे ना बाहर, मैंने पलट पलट के बार बार कर दिया था, इसलिए जब तक धूप में बैठी रहती तो मैं अंदर आ गई थी और काफ़ी सारे कपड़े हो गए थे। आज मैंने 2 बार वॉशिंग मशीन लगाई थी, क्योंकि धूप अच्छी निकली थी, तो जितना ये था ब्लैंकेट वगैरह था ये भी मैंने वॉश कर दिया था, बेडशीट वगैरह। तो ये देखिए जो कपड़े सूख गए हैं मैं वो अंदर ला के फोल्ड कर रही हूँ, और साथ में ये दोनों भी लगे हैं, देखिए दोनों अपने अलग अलग एक घेर बना रहे हैं, और ये मेरे कपड़े हैं ये मेरे। इन लोगों के साथ काम करना ना तो और ज़्यादा वो हैक्टिक हो जाता है, क्योंकि वो अलग फैलाते हैं, वो कुछ कहते हैं, तो बस यही चल रहा है। ये देखिए मेरा बैग हो गया है रेडी, और चलिए हम लोग अंदर आ गए हैं, कपड़े वपड़े सारे समेट के रख लिए हैं, कितने बज रहे हैं, 1 बज रहा है, तो चलिए तैयारी में कर रही हूँ। 7 पूरी मैं बना ले रही हूँ, मीन 7 मेरी 7 मम्मी की, जो पूजा में लगेगी वो साफ सुथरे होकर पहले यही करेंगे, नहीं तो पूरा किचन फिर जूठा हो जाएगा, बच्चों को क्योंकि खाना खिलाना है, तो जल्दी से कर लेना, किसी ने क्या 2 बजे तक पूजा हमारी खत्म हो जाए। और हम इसमें जो पूजा की पूरी लगती है वो देखिए ऐसे छोटी छोटी लगती है, इस तरीके से मैं बना रही हूँ, तो हम करने जा रहे हैं। आपको ऐसे खटखट की आवाज आ रही होगी, वो ऊपर फर्नीचर वगैरह का कुछ कुछ हो रहा है, उस वजह से है। पूजा के बाद हम लोग पटा को सजाएंगे और पूजा की थाली लगाएंगे, तो चलिए। और ये देखिए मैं दिखा रही हूँ कि मैंने अपना मंगलसूत्र पहन लिया है, और ये मैं अपने आंचल में थोड़े से चावल ले रही हूँ, क्योंकि तभी हम लोग महावर या रंग लगाते हैं, हम लोग किसी भी पूजा या किसी भी शुभ काम के पहले लगाते हैं। तो मैं वही कह रही थी कि मेरे को ज़्यादा अच्छा लगाना नहीं आता है, जैसा आता है तो मैं वैसे ही लगा रही थी सिंपल तरीके से। मैंने ये आलता का लिया हुआ है, क्योंकि रंग तो अब बहुत ही मुश्किल हो जाता है, पता नहीं मिलता भी नहीं है कहाँ पे क्या है, तो अब आलता ही हर जगह मिलते हैं, जहाँ भी आप मांगो, तो वही देखिए मैं फटाफट से लगा रही हूँ। और ये देखिए हमारे पूजा की थाली ना लग गई है, मैंने लगा ली है, मैं दिखाती हूँ आपको, ये रखा है घी, घी में मैं बाती अभी डालूंगी, और ये माचिस से ये एक फल रख लिया है, अनार, शकरकंद रख ली है, देन ये मैंने लगा लिया है, ये देखिए वो बह गया था आलता, अगरबत्ती, अगरबत्ती के बाद मैंने लिए हैं लड्डू, काले तिल के
फिर ये मकाई के, चने के, सफ़ेद तिल के, ये एक मैंने रख ली है माला, और ये रख ली है छोटी सी चुनरी जो से माता को चढ़ाएंगे। ये जो पूड़ी बनाई थी मैंने पूड़ी रख ली है। फिर मैंने रखा है ये एक और सेब, यहाँ पे रख ली है सुपारी, और उसमें चौक का तो वो रहता है मेरे घर पे, तो वो है। ये दो मैंने कच्ची शकरकंद रखी हैं, ये मैंने पैसे रखे दोनों के हिस्से के, दो दस दस के, वो अपने यहाँ जो होता है फिर बकरा काटना होता है तिल का। और ये मैंने दो बना लिए बथुए के लड्डू, और ये ले लिए हैं मैंने रोली। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने लगा ली है थाली, जल का एक लोटा लूंगी बस। ये मम्मी बना रही हैं चौक, चौक के ऊपर ही कलश रखते हैं, और जो जल का कलश होता है पूजा के लिए, और कलश के ऊपर ही मैंने ये कटोरी में रख दिए हैं चावल, चावल के ऊपर ही मैं एक रख दूंगी। देखिए ये बन गया है बकरा, ज्यादा अच्छे से नहीं आता है बनाना। और काले तिल क्या है कम थे तो हमने इसमें सब मिक्स करके कर दिया है, तो ये गुड़ और सब तिल मिलके बनता है। तो चलिए पूजा स्टार्ट करते हैं। और ये देखिए मैंने पूजा करनी स्टार्ट कर दी है, तो ज़्यादा अच्छे से नहीं आती, जैसी आती है जैसी देखी है वैसे कर रही हूँ। तो पहले मैंने कलश में देखिए स्वास्तिक बना दिया है, और इसमें मैंने एक सिंहासन भगवान रख लिया, सिंहासन रख लिया था जिसमें भगवान जी शालिग्राम, गणेश जी, लक्ष्मी जी वो बैठे हुए थे। अब इसमें मैं सकट चौथ माता बना रही हूँ। इसमें क्या होता है, जो सकट चौथ होता है इसमें चार चार चौथ बनते हैं, पुतले टाइप के बनते हैं जो कि घी और रोली से बनते हैं, तो मैं वो चार बना रही हूँ और उन्हीं की हमें पूजा करनी होती है, और ये पटे पे स्थापित किए जाते हैं। तो मैं रोली और घी मिला के दोनों को मिला के मैं ये बना रही थी, तो उसके बाद मैं उन्हीं की पूजा करूंगी, साथ में भगवान की करूंगी। और ये देखिए साइड में दोनों हाथ जोड़ के बैठ गए हैं। तो ये देखिए मैंने पहले जल का आचमन किया था भगवान जी को, फिर वहीं पे मैंने थोड़े चावल चढ़ा दिए हैं, फिर ये लड्डू चढ़ा रही हूँ। अब यही चीज़ें कुछ आगे पीछे हो जाती हैं, पहले मेरे को माला चढ़ाना चाहिए था लेकिन मैंने ये चढ़ा दिया, पर कोई नहीं, भगवान भूल चूक सब माफ़ करते हैं। तो ये देखिए मैंने इधर चढ़ाई है पूड़ी जो मैंने बनाई थी पूड़ी, और इधर एक जगह मैंने रख दिया है बथुए का लड्डू जो बनाया था वो रख दिया है। फिर मैंने फल चढ़ा दिए हैं, अब मैं चढ़ा रही हूँ शकरकंद। शकरकंद मैं इसमें दोनों टाइप की चढ़ती हैं, जो उबली हुई शकरकंद होती है वो भी चढ़ती है, और जो कच्ची शकरकंद होती है वो भी चढ़ती है। फिर मैंने भगवान को लगाया है, देखिए मैं भगवान का भोग लगा रही हूँ, उनको मैंने फूल और ये सब चढ़ा दिया है, और एक दो पूड़ी और लड्डू कलश में भी रखे जाते हैं तो मैंने वो कलश में भी रख दिए हैं। और अब मैं जला रही हूँ अगरबत्ती, अगरबत्ती धूप बत्ती, जिससे कि क्या है साथ में वो जलता रहता है, तो कुछ कथा वगैरह पढ़ो तो थोड़ा अच्छा लगता है, खुशबू अच्छी लगती है, आरती होने में आराम होता है। तो ये देखिए उसी से मैंने ये घी की बाती भी जला दी है, तो ये मैंने जला के रख दिया है। इसके बाद मैं क्या करूँगी, पढ़ूंगी कथा, कथा मेरे को आती है इसकी, लेकिन उसके पहले मैं गणेश जी की पढ़ूंगी। तो ये देखिए, और वो ये दोनों बगल में बैठ के, देखो मम्मा स्मोक निकल रहा है, स्मोक निकल रहा है, दोनों बैठ के यही कह रहे थे। तो इसके बाद ही मैंने कलश की पहले आरती कर ली है, फिर भगवान जी की आरती कर ली है, फिर कलश में भी मैंने एक फल चढ़ा दिया है, और इधर जो शकरकंद कुछ बचे हुए थे वो मैंने फिर से चढ़ा दिए हैं, क्योंकि सारा जरूरी होता है, बाद में प्रसाद के रूप में आप किसी को भी बांट सकते हो। फिर मैं थोड़ा सा फूल के टुकड़े और चावल बच्चों को पका रही थी, जिससे कि जब कथा पूरी हो जाएगी तो उसके बाद वो भी उसको डाल देंगे। तो ये देखिए मैं उन दोनों को कथा बता रही थी अब, और पहले मैंने गणेश जी की बताई थी जिसमें उनका सर काट देते हैं शंकर भगवान, तो दोनों इतने इंटरेस्ट से सुन रहे थे कि अरे उनके पापा ने उनका सर नेक काट दिया, और फिर ऐसे, फिर मैं उनको वही बता रही थी, इसीलिए देखो उनकी सूंड लगी हुई है, तो इतने ध्यान से सुन रहे थे और वो देख भी रहे थे सारी चीजें। तो क्या है, जो जिस तरीके से हो जाए, जैसे हो जाए, भगवान जी सब समझते हैं, सब माफ करते हैं गलतियां, बच्चे जिसमें खुश रहे हैं, बच्चों के लिए ये है ही है। तो देखिए पूरी कथा इन लोगों ने ना ऐसे ध्यान से सुनी, फिर मैं उनको ये देखिए वो कह रहे थे अब मैं डालूं कथा पूरी जाती, फिर मैं देखिए बता रही थी कि ये देखिए इसीलिए इनकी सूंड है। तो दोनों को इसी में इंटरेस्ट था कि अब मैं चावल डालूं हो गया, और यही, और ज्यादा इंटरेस्ट तो उनको बकरा काटने में था। काट दिया, चलो देव अब आप काटो, और काटो, और काटो यहां से, यहां से बोलो मैं कट गया।
और देखिए मेरी जो पूजा है वो समाप्त पे आ गई है, समाप्त हो गई है। अब मैं इन दोनों को टीका लगा रही हूँ। इन दोनों को टीका लगाना बहुत अच्छा लगता है। और वो जो मैंने पूरी और लड्डू का था वो प्रसाद वो दिया है, और वो भी इन दोनों को बड़ा इंटरेस्ट है, तो यही खाने लगे थे और वो मेरे को पैसे पकड़ा रहे थे। और मैं भगवान से कह रही थी जो गलती हुई है माफ कर। और ये देखिए मेरे पैकेट्स आ चुके हैं, मैंने आपको बताया था अभी बज रहे हैं शाम के 5:30। ये देखिए ये एक अमेजोन से आया है। हाँ, 2 कुर्ती मैंने अमेजोन से मंगाई थी, तो ये जो मैंने अभी सुबह पहनी थी ये तो सुबह कल डिलीवर हो गई थी, और एक ही अभी डिलीवर हुई है। सबकी प्राइस दे दो, उसको दे दो, सबकी प्राइस वैसे ही है। इस एक कुर्ती 400 की है, शायद 360 की, बाकी सब ऐसे ही है 300 की। और ये दो है फ्लिपकार्ट से, तो चलिए ये वाली दिखाती हूँ। ये जो है कुर्ती, क्या हुआ देव, लाओ हमें दे दो देव का, दू यहाँ रखा है देव का, वो आ जाओ देव उधर से, आ जाओ पहन लो पी लो। ये एक है, ये है विवांता की, ये देखिए प्राइस तो कुछ भी पड़े रहते हैं, बट ये है लार्ज साइज मंगाया था मैंने। देखिए घर के पहनने के लिए अच्छी है, एकदम कलर वाले डार्क है, कपड़े प्योर कॉटन नहीं है, जिससे कि आप मशीन मशीन में डालो। इस बार स्पेशली मैंने ये ढूंढ के मंगाया था कि क्या है, बहुत जल्दी एकदम प्योर कॉटन ले लो ना तो फिर वो हो जाता है। पीछे प्लेन है, ये देखिए पीछे प्लेन है लेकिन आगे सही है, आगे का ऐसा कलर है। आप कोई भी लेगी या कोई भी सलवार डाल लीजिए। तो ये है, और दूसरा मैं फ्लिपकार्ट का बोल के बताती हूँ, एल साइज आता है मेरे को, पर मैंने पहनी हुई थी कुर्ती, अब मैंने स्वेटर पहन लिया है, ये देखिए। और मेरे को ऐसा लगता है ये फ्लिपकार्ट की कुर्तियाँ थोड़ी ज्यादा अच्छी होंगी, जस्ट 50-50 रुपीज ही एक्सपेंसिव है, बट ये देखिए दो है, एक है ये ब्लू कुर्ती और एक है ये पिंक कुर्ती, मेरे को अच्छी लग रही है। ये कोई ब्रांड है कशारा, कशारा करके है, इसकी पैकिंग भी बहुत अच्छी है। प्राइस शायद ये सिर्फ ये वाली कुर्ती थोड़ी एक्सपेंसिव है, 420 या 430 रुपीज की पड़ी है। और ये है कॉटन की कुर्ती, ये देखिए, और ये अच्छी भी लग रही है, इसकी जो कढ़ाई है देखो आप बिल्कुल पास से, अगर आप देखोगे पास से ये देखिए तो एकदम क्लियर, कितनी सुंदर कढ़ाई है इसकी, एकदम बारीक, एकदम अच्छी इसकी, ये कुर्ती अच्छी लगी है। हो सकता है मैं इसको एक दो बार अभी बाहर के लिए दूँ, अच्छे से हो जाएगा। नेक्स्ट कुर्ती ये है, ये थोड़ी मैंने, ये शायद जयपुर, ये भी कशारा से ही है, और ये अगेन ऐसे ही 300 या ऐसे ही है, जिसमें थोड़ा डिस्काउंट होकर मेरे को मिला है, तो कुर्ती समझिए 260 की पड़ी है। ये भी इनके कपड़े अच्छे हैं, प्योर कॉटन है, एल साइज मैंने मंगाया था तो मेरे को एल साइज पड़ा है। और ये देखिए ये जयपुरी इस तरीके की, इसमें एम्ब्रॉयडरी है, तो इसमें आप कुछ भी डार्क कलर का, पिंक कलर का, ब्लू कलर का लगा सकते हो, तो ये मेरे भी मेरे को अच्छी लगी। देखिए तो यही कुछ कुर्तियां थी तो मैंने मंगाई थी। चलिए चाय पीते हैं।